तो रावण बोल रहा है, तो ये पूरा सेना तो आया होगा ना, इंद्र छत्र सब मेरा दुश्मन सब लोग साथ में आए क्या? वो बोलता है इंद्र चंद्र इसका तो कुछ पास भी आ नहीं सकते, उनका सहायता है कि इसको जरूरत ही नहीं है। एक आदमी बिना रथ का बिना कुछ भी इसका सिर्फ अपना धनुष बाण से इतना काम करवाया आपका, हाँ तो कुछ देव असुर किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो वो बोलता है अयम तस्य वधोपायः ममैकः मनश्शृणु। तो इस पॉइंट पर पिछले हफ्ते हमने रुका था। अकंपन जो था बहुत बुद्धिमान था, अकंपन उसको रावण को एक उपाय बताता है और बताता है देखो ये तो तेरी बस की बात नहीं है राम, तो इसलिए उसको मारना है, ये दंड से काम नहीं चलेगा, शाम तो आप पास जा नहीं पाओगे, दान वाले तो आप है नहीं और वो कुछ आपसे कुछ लेगा नहीं, तो भेद जो है भेद से काम चलाओ। तो वो बताता है तो क्या करना है, देखो जब मैं उधर गया ऐसे एक सुंदरी स्त्री देखा उधर, तो बोलते हैं भार्या तस्य उत्तमा उत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा। भार्या तस्य उत्तमा, उसका पत्नी जो है सर्वोत्तम है, सीता नाम सुमध्यमा। सुमध्यमा मतलब उसका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश देश नहीं है, स्टेट नहीं, शरीर का मध्य प्रदेश सुमध्यमा इज वेरी ब्यूटिफुल, इसका मतलब बड़ा पेटू, पेटू नहीं है, यस स्लिम वेस्ट। सो सुमध्यमा नाम प्रयोग करते हैं, फिर बोलते हैं श्यामा जवान लड़की है और सम विभक्तांगी। अभी उम्र जब होता है चश्मे के सामने आईने के सामने जब जाके खड़ा होते हैं अभी भी लगता है मैं तो बड़ा स्मार्ट आदमी, पर चेहरा जब देखते हैं तब लगता है कि जब हंसते हैं ना एक सेट थोड़ा ऊपर जाते हैं, ये इसको नाक बोलते हैं ना, ये हमारे में इसको नाक बोलते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, तमिल में नाक का मतलब ये है, तुम्हारा हिंदी वाले किधर इसका समाधान मैं कैसे कराऊं, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये नाक जो है एक साइड थोड़ा ऊपर दिखता है, दूसरा से 54 हो गया अभी बात क्या है। तो इधर इधर बोलते हैं सम विभक्तांगी, मींस उसका हर एक अंग चेहरे का लक्षण सब देखें कि एवरीथिंग सम, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जैसे होना है वैसे सम विभक्तांगी स्त्री रत्न रत्न भूषिते। तो मैं पहले एक एक बार आप लोग से पूछा था, वापिस पूछता हूं आपको, कितने लोग रामानंद सागर का सीरियल देखा, रामायण सीरियल, कौन अभागा वो है जो सीरियल नहीं देखा? अरे भैया ऊपर तो करो हाथ, ओके इट्स स्टिल अवेलेबल ऑन यूट्यूब, अभी भी है उपयोग करें तो ठीक है। तो रामायण सीरियल में राम और लक्ष्मण क्या वस्त्र पहनकर जाते हैं? आंसर सैफ्रॉन, एक्चुअली ओके ठीक है सैफ्रॉन दे दिया, साधु वस्त्र। सीता नो नो सैफ्रॉन नो सैफ्रॉन सैफ्रॉन हाथ उठाइए, मृग छाल के कुछ और कपड़े, बोल रहे हैं गलत मृग छाल के कपड़े, शायद हाँ माता जी फुल ड्रेस एंड द ज्वेलरी, मृग क्या बोल छाल रहे के हो, कपड़े, मृग छाल के कपड़े, क्या कपड़े? मृग छाल के कपड़े। हाँ प्रभु जी ठीक वो से समझ ऋषि में नहीं ने आ जो रहा है दिया था प्रभु वो जी, ठीक है। एक्चुअली सीता पूरी तरह सज धज के गई, जो सीरियल में देखा गलत, और उसका साक्षी किधर मिलता है अभी देखो, लास्ट शब्द स्त्री रत्नम, सीता को बोलते हैं कि वो स्त्री रत्न है,
रत्न भूषित, रत्न से भूषित फुल ज्वेलरी तो कैसे हो सकता है? पति कंगाल जैसे साधु का वेश में जा रहा है, पत्नी पूरा लिपस्टिक विपस्टिक लगाकर जा रही है उधर। ये दशरथ का इंस्ट्रक्शन था कि ये जनक नंदिनी है और ये वर, ये दो वर, इसका और उसका कुछ संबंध है नहीं। उसको जो रहना है वो राजकुमारी जैसे रहेगी जिधर भी जाएगी। इसलिए पूरा आभूषण आभूषण लक्ष्मण उठा के पीछे गया, बहुत किलो का वजन का आभूषण सीता का सब गया। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। छोटी बात है बट इट्स एन इंटरेस्टिंग डिटेल। और अकंपन इधर बताता भी है, क्या बोला? स्त्री रत्नम रत्न भूषिते, बोलिए वेरी सिंपल। स्त्री रत्नम, स्त्रियों में सबसे उत्तम, तो फिर बोलता है स्त्रियों में उत्तम। ये बोला तो रावण का कान जो है थोड़ा ऊपर हो गया, क्योंकि वो स्त्री कामी था। स्त्री रत्नम, ओह नाउ अभी क्या बोलता है, तुम्हारा उपाय क्या है? बोलता है देखो तस्यापहार भार्याया, उसका यदि तुमने अपहरण कर लिया तो क्या होगा? त्वम प्रमत्य तू महाबने, तुमको क्या करना है? राम को थोड़ा वन में घुमाओ, कुछ भी करके राम को थोड़ा वन में घुमाओ और तुम उसको अपहरण करके ले जाओ। सीतया रहित कामी रामो, राम को बोलता है ये कामी, ये रास्कल बदमाश लोग अकंपन रावण, ये है कामी का सर्वोच्च रास्कल बदमाश। और ये राम को प्रयोग करता है शब्द कामी, पर ये स्त्री कामी के रूप से कभी माना नहीं जा सकता है, क्योंकि सीता ही बोलती है कि आपको तो किसी और स्त्री पर नजर तक नहीं लगती है। यस, रेयर कमोडिटी, राम को ही है नहीं लगती है। तो ये बताकर तो इधर बोलते हैं, इसका मतलब है सीता को जो बहुत इच्छा रख देते हैं, इसके ऊपर कुछ अर्थ ले नहीं सकते इसके लिए। तो बोलता है अकंपन बोलता है सीता या रहिता, सीता जब तुम ले जाओगे इतनी सुंदरी एक स्त्री के साथ था, अभी वो उसके रहित ये रह नहीं सकता है, इसलिए ये रो रो के अपने जान जीवन त्याग कर देगा। एक दूसरा वो है क्षत्रिय राजा, आज भी लोग बोलते हैं वो क्या राम है, अपना बीवी का भी देखभाल नहीं कर सका। यस, ऐसे नाम खराब जब होगा तब क्षत्रिय के लिए वो नाम जो है उसका रेस्पेक्ट जो है जब कम हो जाता है, वो मृत्यु का समान ही है उसको, वो डाउन हो जाएगा उसके साथ, तब जो भी करना है उसके साथ हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है, पास में मत जाओ, ये वार्निंग दिया उसने। हास्यति जीवितम, इस परिस्थिति में वो राम जो है स्वयं अपना जीवन त्याग कर देगा, इतना सुंदरी व्यक्ति वो स्त्री उसका अपहरण करो। तो रावण तो अभी बड़ा स्माइल, वो सोच रहा है वो इतना सुंदरी स्त्री, वो अभी तक मैंने किसी ने बताया नहीं मुझे। तो अभी जनस्थान के लोग गए बाढ़ में, राक्षस जो मरे वो भी भूल गया, उसका सिर्फ मन एक चीज पर लग गया, सीता है, सीता से मिलना है। तो आरोयच आरोचयत तद्वाक्यम, जो अकंपन ने जो वाक्य बोला आरोचयत मीन्स रुचि, उसको आरोचयत ब्रेकअप करेंगे तो उसमें उसको बहुत रुचि आई, ये जो बोल रहा है ये अच्छा सजेशन है। राम का भी हिसाब किताब कर लेंगे और सीता भी मेरी, अच्छा सोल्यूशन है, ठीक है रेडी हो गया। तो फिर उससे बोला हाँ कल सुबह मैं चले जाऊंगा, इमीडिएट एक्शन इन चीजों में, बाकी सब स्लोली होगा, इतने लोग मर गए उनका देखो तब तक एक्शन नहीं है। सीता थी, ओ कल सुबह मैं निकल जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। तो फिर आनयिष्यामि वैदेही मिमम, आनिश मैं जाकर, वो शब्द भी क्या प्रयोग करता है, राम को देख लूंगा, वो नहीं बोला मैं वैदेही को इधर ले आऊंगा, बस दिमाग में वही चल रहा है। तो रावण निकल गया, रावण का कौन सा फ्लाइट में जाता है,
पुष्पक विमान, पुष्पक विमान में कितने घोड़े होते हैं? नहीं पता? घोड़ा नहीं प्रभु जी, चार घोड़े, चार घोड़े ऐसे ऐसे ही जाते हैं, चार घोड़े। हाँ करेक्ट, जूम में से करेक्ट बोल रहे हैं भैया, घोड़े नहीं थे, गधे, गधे पुष्प विमान के लिए। पर पुष्प विमान गधे थोड़ी ले जाते, इट्स नॉट अ नॉर्मल मटेरियल दिस थिंग एट ऑल। जिधर वो चाहता था उस जगह पर इमीडिएटली जाकर पहुंचेगा, वो पुष्पक विमान था। तो तब वो बोलता है मैं जाऊंगा किसी के पास। किसके पास जाओगे? मैं एक बड़ा साधु के पास जाऊंगा। अभी रावण क्या भक्तिमान बन गया क्या? ठीक है, साधु के पास जाऊंगा। तो जाता है, एक आश्रम में जाता है, और वो आश्रम में दूर से उसको राम 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 शब्द सुनाई दे रहा है। तो सोच रहा है वो क्या रहा है इधर। तो पास में जाते, किधर जाता है? मारिच से मिलने के लिए जाता है। मारिच राम राम में बोलता है, वो हरे कृष्ण प्रोग्राम में आया, हमारे पाद यात्रा लोग उधर गए थे उसके आश्रम के यहाँ। तो उसको भगवद गीता हाथ में दिया, वो भी राम राम बोलना शुरू किया। तो रावण जब मारिच के पास जाता है, मारिच का नाम बोलते हैं ताटकेयम, ताटका का पुत्र। ताटका और राम का क्या संबंध? रिश्तेदार थे ना। ताटका फूफा थी उसकी, ऐसे कुछ नहीं। विश्वामित्र ले गए ताटका को ठीक कराने के लिए। राम को कितने उम्र में ले गए? षोडश वर्षाणी वर्षों में। ये राम जो है दशरथ बोलते हैं उसका, तो 16 साल भी, षोडश वर्ष भी नहीं हुआ। षोडश मींस ऑलमोस्ट 12। तो 12 साल का बच्चा ले गए ताटका, और ताटका को वध करने के लिए। ताटका का वध करने के लिए जब गए, तब उधर कौन आया? ये हमारे मित्र अभी आश्रम में बैठकर राम राम जो बोल रहे हैं, मारीच और सुबाहु दोनों उधर आए, और उन्होंने जब अटैक किया, अग्नेयास्त्र उस पर चलाकर सुबाहु मर गया, पर मारीच को वायव्यास्त्र प्रयोग किया, जिसमें से वायु के रूप में उसको उठाकर ले गया, और एक सौ योजना दूर में उसको जाके सागर में फेंक देता है। उधर से वो तैर वैर के वापस आ जाता है। तो वापस इधर आके बैठ जाता है और बोलता है अभी मैं ये सब ये साधुओं को तंग करना ये सब छोड़ दिया, बहुत हो गया। जो ये 12 साल का लड़का ने जो किया, इसके बाद मोबाइल कृपया थोड़ा ऑफ करें। 12 साल का लड़का जो है, इसने इतना चमत्कार दिखाया, इतना भयभीत हो गया कि वो जिधर भी देखता है उसको सडनली इधर कुछ हिलता है, तो बोलता है राम। इतना तक व्यंग करते हैं कि किसी ने बोला मैं रात मत बोलो, ये क्या है रात शब्द भी उसको जमता नहीं, वो रा हो गया तो राम हो गया, वो बड़ा प्रॉब्लम हो गया उसको। तो राम से इतना डरा हुआ, तो मारीच पहले रावण को रिसीव करता है प्रॉपरली, बैठने के लिए जगह अर्घ्य पाद्य सब करके बिठा देते हैं। फिर बोलते हैं सब ठीक ठाक कुशल, आप जैसे आए हुए मुझे सब कुशल नहीं लगता है। हाँ अभी बताइए क्या। तो रावण बोलता है आक्रोश में आरक्षो में हतम, आरक्षा जो मुझे रक्षा करते हैं मेरे बॉडीगार्ड जो हैं उनको उड़ा दिया इसने। अभी देखो साधारण गार्ड्स हैं तो ठीक है, ये मिनिस्टर के पास सब खड़ा है ना गन वन लेके, वो देखो ये तो प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, तो वो साइड में चार लोग होगा, वो एक क्षण उसको व्हाट डू यू से फॉर यॉनिंग, वो इधर उधर देख नहीं रहा। दे हैव गॉट देयर आईज फिक्स्ड वेरी वेरी क्लियरली, दीज आर फुल्ली ट्रेन्ड पीपल, योद्धा। यस कुछ भी हुआ
तो अपने जान देने के लिए तैयार, पर जिसको वो रक्षा कर रहे हैं उसको कभी हानि पहुंचने नहीं देंगे। आदि काल में राजा लोग क्या करते थे, एक देश में बदमाश कोई है, सबको बहुत तंग करता है और शरीर से बलवान, तो उसको क्या करते थे, बलवान है उनके लिए एक जगह रखते थे, उसमें भेज देते थे। तो भारत के लिए बल वाले लोग किधर भेजते थे पता है, कोई बता सकता है? बल उच्ची स्थान, समझ में आया शब्द का मतलब? तो राजाओं का ये अरेंजमेंट क्यों, अटैक होता है तो इधर पूरा हिमालय है, नेपाल से लेकर कोई अंदर घुस नहीं सकता है, कोई घुस सकता है तो उस जगह पे घुसेगा, यस। उसलिए उन जगहों पर जो भी इधर प्रॉब्लम वाले, जो इधर नॉर्मल पुलिस लिपट नहीं सकता है, जिसको आर्मी वाला चाहिए, उसको सब उधर भेज देते हैं। तो आरक्षों में ये मुझे रक्षा करने के लिए, मैं जनस्थान में उनका मेरा फर्स्ट पेरिफेरी, उधर से कोई नीचे ना आवे लंका के पास, उसलिए उधर रखा था। वो ब्रीच करके आ गए थे, आप पहले भी देख रहे हैं, अगस्त्य मुनि के बारे में जब बात करते हैं तब बताते हैं कि साउथ ऑफ इंडिया में विंध्या, ये पहले बता चुका हूं, साउथ इंडिया कैसे डिफेंड करते हैं, साउथ इंडिया ओनली मद्रासी साउथ इंडिया, केरला वाला एंड तमिल वाला, नो नो ओनली आंध्रा कर्नाटका फोर स्टेट्स, मराठी सो दोस आर ऑल नॉर्थ इंडियन, गुजरात ऑल्सो यू नो वी डोंट नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन, बिकॉज भारत वाज सो बिग एट दैट टाइम। विंध्याचल पर्वता लाइन, विंध्याचल पर्वत के नीचे कौन लोग जीते हैं इधर, स्टेट्स विंध्याचल के नीचे सब साउथ इंडियन है, ये डेफिनेशन है। तो विंध्या पर्वत के नीचे कोई रहते नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली ये जगह जो था बहुत पवित्र जगह था, दंडकारण्य बहुत पवित्र जगह था, ऋषि मुनियों के लिए रहने के लिए बहुत सुंदर जगह था, उनका तपस्या करने के लिए। इतना तक पहले भी हम देखते हैं वामन देव का उधर आविर्भाव, उधर ही अवतार उधर ही हुआ, और इसके अलावा इंद्र को जब प्रॉब्लम हुआ तब साधुओं के ऋषियों के पास वो इधर आया था, और उनका जो तपस्या, उनका जो ब्लेसिंग्स जो था आशीर्वाद से, वो ठीक बना और वापस चला गया, ब्रह्म दोष कुछ, ब्रह्महत्या दोष कुछ लग गया उस पर, तो अनेक प्रॉब्लम हुआ इंद्र को, उस सब का सलूशन इधर मिला उसको। तो ये जगह जो था, इंद्र ने बोला साधुओं के लिए ये बहुत सुंदर जगह, आप रह जाइए, पर ये रावण ये असुरों के आने के बाद उन्होंने क्या किया, वो जगह हड़प लिया और उधर जाके जनस्थान में अपना आउटपोस्ट बना दिया। तो जनस्थान से नीचे कोई आ नहीं पाएगा, इतना बलशाली लोग उधर, उसी नहीं तो कोई पूछेगा उधर 14,000 राक्षस किसके लिए बैठे थे और साधारण व्यक्ति नहीं थे, उधर क्यों रखा गया था। ये लंका का फर्स्ट पेरिफेरी आरक्षा, रक्षा करने के लिए। तो बोलते हैं मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ऑलरेडी किसी ने तोड़ दिया, इसलिए भय हो रहा है। तो तब ये बोलता है, अकंपन बोलता है, नहीं ये रावण ही स्वयं बोलता है, रामेण क्लिष्ट कर्मणा, राम लगता है वो बहुत बलशाली है, उसको कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कृपया आप मुझे सहायता करें, मैं चाहता हूं कि मैं उसका भार्या पत्नी जो है सीता, उसको मैं चुरा ले जाऊं। तो फिर अकंपन बोलता है, रावण तू आके थोड़ा बैठ जाए, फिर बोलता है ये बड़ा सुंदर एडवाइस किसने दिया थे? I'm sorry, who I said, Akampan says? Sorry, Marichi बोलते हैं उसको, क्षम्यता।
मरीची बोलते हैं ये एडवाइस तुमको किसने दिया? यस, इधर उस व्यक्ति ने आपने कभी पंगा लिया होगा, उसको गाली दिया, कुछ दंड दिया उसको, वो तेरा साइड में है पर तेरा शत्रु है, तेरे ही घर में बैठा है, तेरे को ऐसे एडवाइस देता है ये बदमाश, ये बात सुन लो, वो तुमको क्या बता रहा है, वो यदि तुम करेगा विषय मुखार दमश्राम उद्धर तुम, वो क्या पूछ रहा है तुमसे पता है? बहुत जहरीली सांप जो है उसके मुंह से वो दांत निकाल के ले आने के लिए बोल रहा है, तू जाएगा क्या, रेडी है? ये मत कर, बहुत फंसेगा तू। केनासि कथम प्रतिपादिता, उसने एडवाइस दिया तुम ये रास्ता पकड़ने के लिए तुमको, ये लगता है तू सो रहा था रात को और तुरे तेरे सर में मारा उसने, तू डंडा से मारा, तू आके धरे तो पहुंच गया इधर। सुखसुप्तस्य ते प्रहृतम केन मूर्धनि, मूर्धनि इन योर फोरहेड, किसने मारा डंडा से मार के इधर भगाया मेरे से बात करने के लिए? मारिच का स्थिति समझिए, हाथी देखता है तो उसका हाथी का सूंड जो है उसको देखते हुए वो लगता है हाथी का सूंड इतना बड़ा है पर बहुत शक्तिशाली है, बोलता है ये शक्तिशाली ये सिर्फ राम नहीं है, इसका पूरा पूर्वज जो है ये वंश जो है उसका ये है, तो हाथी का सुंड देखते हुए हाथी का सुंड में लाइन लाइन स्ट्राइप आएगा ना उसका फोल्ड, वो बोलता है ये उनका पूर्वज है, उनका व्हाट डू यू से फैमिली ट्री के लिए क्या बोलेंगे, एंसेस्ट्री, ठीक है समदर हिंदी वर्ड, उनका परंपरा है, तो ये पूरा वंश परंपरा इधर हाथी का सुंड में एक एक लाइन है, सब हाथी का सुंड जैसे बड़े स्ट्रांग वाले है, और गलत भी नहीं है ये जो बोल रहा है, ये बहुत सही है क्योंकि अयोध्या जो था अयोध्या का शब्द सबसे बड़ा शक्ति उनका हाथी का शक्ति था, तो ये बोलता है, फिर बोलता है इसका सूंड कितना लंबा है उतना बड़ा उनका परिवार का महत्व ये समझ लो, फिर बोलता है कि उसका दांत है ना हाथी का दांत जैसे ये राम का हाथ जो है उसमें जाके कोई फंस गया ना उससे तुम बच नहीं पाओगे, यस, पहला उसका सुंड और फिर ये दो दांत, बस इससे तू खत्म हो जाएगा, बी वेरी केयरफुल। फिर बोलता है मैं जिस सिंह देखता हूं ना शेर को देखता हूं, शेर लाइन सिंह इज लाइन, शेर इज लाइन ओनली ना, हरे कृष्ण, थैंक यू मद्रासी लर्निंग हिंदी एज आई गो, तो बोलता है शेर, तो इसके लिए मेरे को नेशनल ज्योग्राफिक सब थोड़ा गूगल में जाकर पढ़ना पड़ा, तो बोलते हैं कि शेर का पोजीशन जो है वो क्या करता है अपना टेल के लिए क्या बोलोगे, अपना पूंछ, जब वो अटैक करने जाता है शेर अपना पूंछ ऊपर करता है, तो मैं पढ़ रहा था कि शेर अकेला कभी अटैक करने के लिए नहीं जाता है, सब साथ में जाते हैं, तो वो मुंह से कुछ बात नहीं कर सकता है, उसका पूंछ उसकी पूंछ, आई एम सॉरी हरे कृष्ण, इट्स अ मेल एलिफेंट स्टिल उसकी पूंछ है, मेल पूंछ लॉयल बट स्टिल यू विल से उसकी पूंछ, ओके, तो वो पूंछ जैसे हिलाता है बाकी को पता है अभी क्या करना है, चुप बैठना है या आगे भागने के लिए तैयार होना है, तो वो जैसे है तो वो पूंछ देखता है, इसको राम याद आता है, अभी कौन आने वाला है, किधर से आने वाला है मुझे मारने के लिए, और फिर बोलता है शेर जो है किसको मारता है, ये हिरण जो है ना वो सब आसानी से खा जाता है, हिरण को मारने जैसे ये राक्षस को मारने के लिए आया इधर, जब मैं शेर को देखता हूं, जब मैं शेर को हिरण को मारते हुए देखता हूं, मुझे सिर्फ याम राम या राम याद आता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। तो फिर बोलता है ये शेर जब गर्जना करती है ना, जब दूर से मैं शेर का दांत जब देखता हूं, तो राम का जो तलवार है उसका जो
व्हाट यू से तीक्ष्ण धार क्या धार उसका धार वो कितना तीक्ष्ण है हाउ शार्प इट इज वो याद आता है उसका उसका दांत देखते हुए मुझे और उसका शेर का मैं हाथ पांव ये सब जब देखता हूँ उसका टांग जब देखता हूँ मुझे राम का बाण ही याद आते हैं वो अभी उसका क्या हाल है देखो हम सब क्या करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं इधर किसी न किसी तरह भगवान स्मर्तव्यम सततम विष्णु न विस्मर्तव्यम चातुर्य कि मैं प्रयत्न हम सब भक्ति में क्या प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे सदैव राम का स्मरण होवे भैया हम सबको बीट करके वो आगे चला गया ये मारी जो है जिसको भी जिधर भी देखा पेड़ में कुछ हिल रहा है यू नो वो लगता है राम का बाल है जो जो हिल रहा है उसको कुछ भी देखा उसको राम ही राम तो अभी वो क्या हुआ उधर जाके साधु बन गया क्योंकि सतत राम का स्मरण इसका तुलना किसके साथ किया जा सकता है यस आई थिंक आई डोंट नो वेदर आई सेड इट लास्ट वीक इन दिस प्लेस गोप्यः कामात् भयात् कंसो गोपी लोग अपने एक इच्छा भगवान के ऊपर कितना प्रेम था उनको डिजायर काम हियर उसके कारण वो भगवान को पाए और कंस ने कैसे भगवान को पाया भयः कंसो उसके भय के कारण यही एग्जैक्ट परिस्थिति है इसका भय इतना है कि उसको रात को नींद नहीं आता है भैया आपने सोया नहीं मरीच जी बहुत दिन से सोया नहीं नींद में आ रहे हैं ये राम बार बार है हमको नहीं आ रहे तो फिर इधर बताते हैं कि उसका धनुष है ना उसका जो एंगल है उसको देखकर मुझे एलिगेटर क्रोकोडाइल का याद आता है क्योंकि क्रोकोडाइल कभी कभी ऐसे थोड़ा ऐसे रहता है वो नजर याद आता है मुझे और फिर बोलता है उसका हाथ जो है उसमें कोई फंस गया ना व्हाट डू यू से फॉर क्विक सैंड हिंदी में क्विक सैंड में जिसमें पाँव रखे मट्टी है पाँव रखे तो अंदर चला जाएगा इमीडिएटली आपको पता है दलदल तो अभी सब जो कोई दलदल में पाँव रखा आपको आवाज तक सुनाई नहीं देगा आदमी नीचे डाउन हो जाएगा वो बोलता है राम का हाथ ऐसे है समझ लो जिधर किधर जाके तू पंगा ले रहा है समझ लो पहली बात फिर बोलता है उसका उसका बाण जब आना शुरू होता है ना ये सब पानी के संबंधित उदाहरण जैसे वेव्स ऑफ द ओशन क्या बोल रहे हैं लहर सागर का जो लहर वो कभी रुकता नहीं है लगता है रुकता है पर इमीडिएटली अगला लहर आ रहा है ये कभी रुकने वाली लहर नहीं है कभी सोचो मत कि रुकेगा ये शुरू हो गया कोई उसको रोक नहीं पाएगा इसका प्रवाह कैसा है गंगा यदि प्रवाह में आ गई तो कोई मूर्ख होगा उसमें पानी में डुबकी मारने के लिए जाएगा उसको उड़ा के लेके जा सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके उसको रोक देगा इसी तरह तू पागल किधर किधर छलांग मारने के लिए अभी रेडी हो रहा है स्विमिंग सूट पहनकर क्या बात है व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू सीधा वार्निंग सुंदर वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग तो फिर बोलता है तू लंका में कुछ है ना सारा दुनिया में सब लोग लंका की बात कर रहे हैं पूरा सोने की सोना ही सोना है और लोग जो भी है बहुत संतुष्ट है लंका में जो चाहिए हर चीज तेरे को प्राप्त है जितने ते और फिर बताते हैं कि तुम्हारा लंका प्रसन्न हो भवा लंका में ही प्रसन्न रहो भैया ये साइड आ गया तो तेरा प्रसन्नता अभी दांत नहीं रहेंगे स्माइल किधर कोलगेट स्माइल किधर देगा स्माइल उड़ जाएगा तेरा कुछ रह नहीं जाएगा फिर साधु गच्छत्वम मैं तुमको एडवाइस देता हूं एक चीज करो साधु मार्ग जो है ना उस पर चलो किसी दूसरे का पत्नी चुराने की इधर मत आओ उसका जो बहुत उसका जो रिजल्ट जो परिणाम जो होगा बहुत जहरीला होगा तुम्हारे लिए तुम उसको पचन कर नहीं पाओगे जो रिजल्ट आएगा तो अपने अनेक पत्नी है उनके साथ स्वदारेषु
ब्रह्मस्व नित्यम। प्लीज बी देयर, लंका वापस चले जाओ, मंडोदरी है, अनेक पत्नी है तेरे, बस उधर आनंद से रह जाओ, ये साइड मत आओ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तुम। तो फिर रावण ने सोचा, ये जो मरीच जो है ये ऑलरेडी राम का महिमा देख चुका। मरीच बोलता है, देखो मैं 12 साल का बच्चा जो राम राम जब था तब मार खाया इतना, अभी तो ये पूरा यू नो हट्टा कट्टा योद्धा है, तू क्या करने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, तो डोंट रिस्क, सीधा वार्निंग दिया। और उसको इतना बुद्धि था, यू टर्न मारा और वापस लंका में आके बैठ गए। पर जो सद्गुणी है उनको सदैव भक्तों का बार बार पास में आने को मौका मिलता ही रहता है ना। दुर्गुणी जो है उसको भी वैसे ही, उसका ही तुलना में जो लोग, उसका ही टाइप का जो लोग है उनसे संग मिल जाता है। तो अकंपन गया तो एक और विजिटर आया, अभी और 5 मिनट हम देखेंगे। कौन आता है अगला? उसका तो दिल दिल ठंडा नहीं हुआ ना, ऑलरेडी यू नो 14,000 वॉरियर्स डाउन, पर उसको जो चाहिए था वो हुआ नहीं। तो उसने सोचा, ये लोग तो भाई लोग मर गए, अभी एक और भाई है, उसको भी लाइन में लगाना है। तो फिर सूर्पण का आकर रावण के बारे में डिस्क्रिप्शन, आगे 5 मिनट हम लोग रावण के फैन बनने वाले, हरे कृष्णा तुलसी प्रभु स्वागतम, रावण के महिमा सुनने वाले। रावण इतना अच्छा व्यक्ति था, आज हम सुनेंगे, गौर से सुनिए। विमानाग्रे रावणम दीप्त तेजसा, वो बड़ा तेजस्वी था, वो वेदों का अनेक चीज फॉलो करता था, यज्ञ आदि करता था, शिव पूजा करता था। बोलते दीप्त तेजसा, उसको देखो तो अग्नि का ज्वाला जैसे, जैसे सूर्य, सूर्य क्या करते हैं, सूर्य रथ के ऊपर आरूढ़ जाते हैं, ये बताया जाता है सूर्य के बारे में। तो जैसे मैं रावण को देखता हूं उसका तेजस देखते हुए लगता है मुझे मैं सूर्य देख रहा हूं इधर। तो ये सीन जो है, ये सूर्पण का जब अंदर आता है, आती है रावण को मिलने के लिए, तब क्या देखती है इसका वर्णन वाल्मीकि जी हमें देते हैं। तो इवांतकम कैसे दिखा, पर लगा उसको देखते हुआ लगा कि जो भी उसके हाथ में लग गया, अभी पूरा प्रीवियस डिस्क्रिप्शन जो था उसी तरह लगभग, इसके हाथ कोई लग गया तो वो उड़ जाएगा फिनिश। तो फिर उसका वक्षस्थल के बारे में बात करते हैं, बिग ह्यूज जस्ट 10 सिर 20 हाथ, बड़ा चेस्ट लाइक दिस, और चेस्ट में इधर ऐरावत, इंद्र के साथ युद्ध करते हुए ऐरावत उसको अपना दांत से चोट पहुंचाया, तो इधर चोट है। इसी तरह चक्रायुध, भगवान विष्णु का चक्र का प्रहर उस पर हुआ, वो भी देख चुका है। योद्धा जो है बहुत सुंदर चेहरा वाला, ये सब बॉलीवुड फिल्म स्टार जैसे योद्धा नहीं होगा, या उसका यू नो हाथ पांव में योद्धा है वो दिखेगा, लक्षण दिखेगा। तो उस लक्षण के बारे में इधर बात करते हैं, सुदर्शन का मारा हुआ और इंद्र का वज्र लगा हुआ था उस पर, विंशत भुजम दशक ग्रीवम 10 necks यस एंड 20 hands। तो फिर बोलते हैं राजा का जो लक्षण है वो लक्षण उस पे था, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हाथ, सुंदर चेहरा, बहुत अच्छा दिखता था। रावण ने अनेक लोगों को हड़प कर ले आया, पर ऐसे अनेक लोग थे जो अपने इच्छा से अनेक स्त्री उसका पत्नी बनने के लिए आए थे, बिकॉज ही वॉज सच ए गुड लुकिंग, वेरी केपेबल, फैंटास्टिक वॉरियर, यस इन मेनी वेज। तो इसका इधर डिस्क्रिप्शन हो रहा है। तो फिर बताते हैं, और उसका दांत येलो कलर का नहीं था, सफेद, नाइस ब्यूटीफुल फेस, व्हाइट एंड
आभूषण पहने हुए और बताते हैं पहाड़ जैसे बड़े विशाल व्यक्ति, तो फिर उनका अभी अच्छे गुण और आगे सुनते हैं। पहले उसके हाथ से पर्वत उठाया, कैलाश पर्वत जिधर शिव जी बैठे थे उधर अपने हाथ से वो पर्वत उठाया। फिर पार्वती को सडनली डर गई, अर्थक्वेक आ रहा है करके शिव जी ने उसको दबाया तो उसका हाथ उधर फंस गया। उधर हाथ जब फंसा हुआ उस स्थिति पर उसने इतना चिल्लाया, वो चिल्ला रहा है बड़ा गर्जन, उसके लिए उसका नाम पड़ा रावण। रावण का मतलब जो चिल्लाता है और दूसरों को चिल्लाने देता है, दूसरों को इतना कष्ट पहुंचाता है कि वो भी चिल्लाते हैं। दुनिया में जो भी इसके संपर्क में आएगा चिल्ला चिल्ला कर मर गया, उसलिए उसका नाम रावण था। तो और दूसरा बहुत अच्छा, जैसे पहाड़ को लोग को क्षति पहुंचाता था, इसी तरह धर्म का नंबर वन एनिमी, धर्म जो है उसका विनाश के लिए बहुत आनंद से अच्छा कार्य करता था। दूसरों का पत्नी को ले जाना परधारा अभिगमनम, और फिर यज्ञ याग आदि जो करते हैं उसके रुकावट पहुंचाना। ये सांप जो थे तक्षक, ये सब सांप जो थे उनका लोक में भी जाकर उनको हानि पहुंचाया और उनका पत्तियों को हड़प कर ले आया। कुबेर उसका ही भाई उधर गया और अलकापुरी में पूरा जाके सबका नाश करके उससे ये पुष्पक विमान जिसमें अभी आया है इधर, वो भी उससे लेकर आ गया अभी। तो फिर बताते हैं न सिर्फ ये, उसने पूरे सुंदर वन, सुंदर यू नो चित्ररथ नलिनी और विच इज द अदर वन वेरी ब्यूटीफुल नंदन, नंदन कानन भी बोलते हैं, नंदन कानन जो गार्डन था देवों का, सबका ऐसे ही उसको क्रोध आया था, सबका नाश कर देगा, ये रावण था। तो उसका हाथ से सूर्य और चंद्र को कंट्रोल करता था, देख किधर जा रहा है सूर्य उदय बैठ जा इधर हाथ से कंट्रोल करता था उनको। पर उसका भी ये पहुंचने के पहले उसने क्या किया, 10,000 सालों का तपस्या किया। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा प्रकट नहीं हुए तो इसलिए एक एक करके अपना सर काट के देने के लिए तैयार, शुरू एक 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 करके काट रहे, लास्ट सर काटने के लिए तैयार ब्रह्मा है। अरे किधर से आया, देना ही पड़ेगा अभी जो पूछा उसको। तो युद्ध में कभी पीछे हटने वाला नहीं, अवयम यस्य संग्रामे, संग्राम में कभी भय नहीं होता है उसको। और यज्ञ जब ब्राह्मण संत आदि यज्ञ जब करते थे, यज्ञ का एब्सोल्यूट अंत में लास्ट मिनट में जब दान दिया जाता था, जो यज्ञ जो करते थे उनको, उस समय जाकर उधर पहुंच जाता था और उसका नाश कर देता था। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस गाय, ब्राह्मणों को मारना, ये हमको पता ही है। वो दूसरे लोग ब्रेकफास्ट के लिए खाते थे ब्राह्मण का खून, बीटरूट जूस जैसे पीते थे। तो जो रावणम सर्वभूतानां सर्वलोक भयावहम्, लंका राज रावण की क्या हो गया श्री रामचंद्र भगवान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।